तो दोस्तों, अगर आपका मोबाइल भी हैंग होता है और आप अपने फ़ोन की हैंगिंग से परेशान हैं, तो ऐसे में दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम आपको आपके मोबाइल की तीन ऐसी अल्टीमेट ट्रिक्स के बारे में बताएंगे, जिन्हें अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो चुटकियों में आप अपने फ़ोन की हैंगिंग प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है कि फ़ोन हमारा अचानक से हैंग करने लगता है। तो ऐसे में दोस्तों हम परेशान हो जाते हैं और फ़ोन को अपने मिस्त्री के पास लेकर जाते हैं और वो बेवजह हमसे काफ़ी ज़्यादा पैसे ले लेता है। लेकिन ऐसे में दोस्तों आज हम आपको आपके मोबाइल की जो तीन ट्रिक बताएंगे, ये तीनों ट्रिक्स आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि इन्हें अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो फिर जिंदगी में कभी भी आपका फोन हैंग नहीं होगा। और दोस्तों, अगर आपके फोन में हैंग नहीं हो रहा है तो जरूरी नहीं कि, हो सकता है कि इन फ्यूचर कभी ना कभी आपको इस प्रॉब्लम को जरूर फेस करना पड़े। तो अगर आपका फोन हैंग नहीं होता तब भी आप लोग इस वीडियो को एक बार इन तक जरूर देखिए, क्योंकि ये ट्रिक्स जो मैं आपको तीन बताऊंगा, ये कभी ना कभी इनकी जरूरत आपको इन फ्यूचर जरूर पड़ेगी। तो बहुत ही ध्यान से एक एक ट्रिक्स को देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप इस बटन को प्रेस करके वीडियो कर दीजिए लाइक, और अगर पहली बार चैनल पर आए वीडियो देख रहे हैं तो इस लाल बटन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे कमेंट सेक्शन में चले जाना, कमेंट बॉक्स में आपको एक अच्छी सी कमेंट लिख देनी है। आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना नाइस ट्रिक। इतना करने के बाद दोस्तों आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ट्रिक को सीख सकें और इसका उपयोग करके अपने फ़ोन को हैंग होने से बचा सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि इस वीडियो के अंदर हम आपको आपके मोबाइल की तीन अल्टीमेट ट्रिक्स के बारे में बताएंगे, और दोस्तों जो तीसरे नंबर की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा वो ट्रिक तो आपको जरूर देख के जाना है, क्योंकि वो ट्रिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा VIP है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपने मोबाइल की पहली ट्रिक की, कि पहली ट्रिक में आपको क्या करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके फ़ोन में गैलरी का ऑप्शन ज़रूर होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप किसी भी ब्रांड का मोबाइल यूज कर रहे हो, इससे कोई मैटर नहीं होता है, आपके फ़ोन में गैलरी, सभी के फ़ोन में गैलरी ज़रूर होती है। यहाँ पर आपके सारी फाइल जो होते हैं वो होती हैं, फिर चाहे आपके फ़ोटो हो, वीडियोज़ हो या कोई भी फाइल्स हो, तो यहाँ पर होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी गैलरी को ओपन कर लेना है, और गैलरी ओपन करेंगे तो अब आपको यहाँ पर ऊपर साइड में थ्री डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो सिंपली आपको इन थ्री डॉट्स पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आप जब थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, व्यू डुप्लीकेट्स। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, कई बार ऐसा क्या होता है कि अपने मोबाइल के हम बहुत सारे फ़ोटो कैप्चर करते हैं लेकिन जिनकी ज़रूरत नहीं होती है उन्हें डिलीट कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा क्या होता है कि फ़ोन में ही बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसी फॉल्ट की वजह से हमारे फ़ोन की बहुत सारी फ़ोटो जो होती हैं, वीडियो होती है, उनकी डुप्लीकेट फाइल बन जाती है और वो हमें पता ही नहीं चलती है। इसकी वजह से हमारे फ़ोन की काफ़ी ज़्यादा मेमोरी जो है भरी रहती है, वेस्ट हुआ करती है, और हमारे फ़ोन के प्रोसेसर पर, CPU पर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ने लग जाता है डुप्लीकेट फाइल की वजह से। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हमारे फोन में इतनी सारी डुप्लीकेट फाइल हैं। अब हो सकता है कि आप जब अपने मोबाइल में सेटिंग को ओपन करें तो आपके फोन में बहुत ज्यादा डुप्लीकेट फाइल आ जाएं, क्योंकि मैं समय समय पर इन्हें डिलीट किया करता हूं, इसलिए हमारे फोन में बहुत कम है। तो यहां से आपको करना क्या है कि यहां पर इस तरीके से थ्री डॉट पर टिक कर देना, उसके बाद यहां से आपको डिलीट कर देना है। अब दोस्तों, आप जैसे ही यहां से डिलीट करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं आपके फोन की सभी डुप्लीकेट फाइल जो हैं वो सारी फाइल डिलीट हो जाएंगी, और ऐसा करने से आपके फोन की हैंगिंग प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये ट्रिक काफी कमाल की है, इसे आप लोग अपने फोन में जरूर फॉलो कीजिए। अब दोस्तों, बात करते हैं अपने मोबाइल की दूसरी ट्रिक की। तो दोस्तों, दूसरी ट्रिक भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा VIP है, और इस ट्रिक का मेन कारण यही होता है कि आपके फ़ोन को हैंग होने से हमेशा बचाता रहता है। तो अगर आपका फ़ोन हैंग होता है तो आपको ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करनी है, और उसके बाद दोस्तों आपको तीसरी ट्रिक को जरूर देख के जाना है, क्योंकि तीसरी ट्रिक हम जो आपको बताएंगे वो बहुत ही VIP होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपनी सेकेंड ट्रिक की। दोस्तों, सेकेंड ट्रिक को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग में चले जाना है, और सेटिंग में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ढूंढ लेना है स्टोरेज का, या फिर अगर आपको स्टोरेज का ऑप्शन नहीं मिल रहा तो यहाँ पर आपको ऊपर में सर्च बार का ऑप्शन दिखाई देगा, तो सर्च बार में जाके आपको अपने फ़ोन में सर्च कर लेना है स्टोरेज। तो इस तरीके से आपको स्टोरेज लिख के सर्च कर देना है, तो आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर स्टोरेज की सेटिंग मिल जाएगी। अब दोस्तों, ये सेटिंग भी हर एक मोबाइल में होती है, आप किसी
भी कंपनी का मोबाइल यूज करते हो, फिर चाहे सैमसंग का हो, वीवो हो, रेडमी हो, कोई भी ए टू जेड फ़ोन हो, आपको ये स्टोरेज की सेटिंग हर मोबाइल में मिल जानी है। बस आपको सिर्फ इसे यहाँ पर आकर सर्च कर लेना है, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रिसाइकिल बिन। उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 5.39 GB, यानी कि लगभग 5.5 GB स्टोरेज हमारा ये भर करके बैठा है। इसकी वजह से हमारे फ़ोन के प्रोसेसर पर, सीपीयू पर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ रहा। अब दोस्तों ये फाइल्स कौन सी हैं? दोस्तों ये वो फाइल हैं जिन्हें हमने अपने फ़ोन से तो डिलीट कर दिया है, लेकिन अभी भी ये फाइल हमारे फ़ोन के रिसाइकिल बिन के फोल्डर में पड़ी हैं। इसकी वजह से भी हमारा फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हैंग होता है। तो दोस्तों आपको इन सभी फाइल्स को यहाँ से एक एक करके या फिर सभी को एक साथ सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर अगर आपको इसे प्रेस करके रखते हैं, उसके बाद सेलेक्ट आल पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको डिलीट आल पर क्लिक करके इसे डिलीट कर देना है। अब दोस्तों ये सारी फाइल्स आपके फ़ोन से डिलीट हो जाएंगी और फिर आपका रिसाइकिल बिन फोल्डर जो है खाली हो जाएगा, और इससे आपके फ़ोन की मेमोरी काफ़ी ज़्यादा जो है खाली हो जाएगी, और आपके फ़ोन के जो प्रोसेसर पर, सीपीयू पर लोड पड़ रहा था, वो सभी चीज़ों से आपका फ़ोन फ्री हो जाएगा। तो इस सेटिंग को करने से भी आपके फ़ोन की हैंगिंग प्रॉब्लम काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं अपने फ़ोन की तीसरी ट्रिक की, जिसके बारे में मैंने बताया था कि बहुत ही VIP ट्रिक है, और इस ट्रिक को आपको हमेशा अपने फ़ोन में करना है। तो दोस्तों इस ट्रिक को करने के लिए एक बार फिर से अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है, और सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर एक बार फिर से आपको सर्च बार में जाके आपको एक सेटिंग सर्च कर लेनी है, मेमोरी। इस तरीके से आपको मेमोरी सर्च कर लेना है। अब दोस्तों आप जैसे ही मेमोरी सर्च करेंगे, सबसे फर्स्ट नंबर पर ये ऑप्शन आ जाएगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़ी देर ही आपकी मेमोरी को चेक करेगा, बूस्ट करेगा। उसके बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन में जो है 2 GB से ज़्यादा जंक फाइलें पड़ी हुई हैं, जो कि कचरा है, कोई कूड़ा टाइप का है, जिसका कोई काम नहीं है, सिर्फ हमारे फ़ोन को घेर कर बैठा है वो, और हमारा फ़ोन इसी की वजह से स्लो हो रहा है, हैंग हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री अप मेमोरी बाई स्टॉपिंग बैकग्राउंड ऐप्स, तो यहाँ से आपको यहाँ पर क्लीन नाउ पर क्लिक कर देना है, और आप देख सकते हैं कि आपकी मेमोरी जो है ऑटोमेटिकली क्लीन हो रही है। इससे दोस्तों आपकी कोई ज़रूरी फाइल्स, आपका डेटा कुछ भी डिलीट नहीं होगा। तो यहां से आप देख सकते हैं हमारी जो है मेमोरी स्टॉप बैकग्राउंड के जितने ऐप्स थे वो सारे स्टॉप हो चुके हैं, और हमारी मेमोरी जो है फ्री हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों आपको बैक चले आना है, इतना करने के साथ ही, और बैक आने के बाद एक बार फिर से आपको सेटिंग में चले जाना है, और आपको अपने फोन को जो है ऑप्टिमाइज कर लेना है इस तरीके से। तो यहां पर आप जैसे ही खोलेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां से आपको ऑप्टिमाइज नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां से आपका फोन चेक कर लेगा कि आपके फोन में और कितनी सारी कमियां हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा फोन जो ऑप्टिमाइज हो गया है। उसके बाद यहां से आपको डन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों एक बार फिर से आप देख सकते हैं हमारा फोन पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज हो गया और ऑल गुड के आ चुका है, यानी कि अब हमारे फोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो हमारे फोन की सारी प्रॉब्लम दूर हो चुकी, फिक्स हो चुकी हैं, और हमारा फोन अब बिल्कुल नॉर्मल पहले की जैसा एकदम नए की तरह सुपर फास्ट तरीके से चलेगा, और ना ही हमारा फोन हैंग होगा ना गर्म होगा। तो दोस्तों आपके फोन की 3 ऐसी अल्टीमेट ट्रिक्स थी जो मैंने आप लोगों को बताई, इन्हें अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि फिर जिंदगी में आपका फोन कभी भी हैंग नहीं होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टिल देन, बाय बाय।